नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों को रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के सिद्धार्थनगर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। दोनों जिलों को पीएम ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। सबसे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे। सिद्धार्थनगर में पीएम ने 2,239 करोड़ की लागत से तैयार माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित वर्चुअली माध्यम से प्रदेश के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचयू में अभूतपूर्व सुविधाएं तैयार की जा रही इस तरीके की बात भी कही है। साथ में जन संबोधन में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर है वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री की रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और 200 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ में हजारों करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी वाराणसी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। 9 जिलों को मेडिकल कॉलेजों की सौगात देने के बाद पीएम वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे के वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 5,190 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। साथ ही देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ भी किया और एक बड़े जन समूह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। साथियों, मानस में एक सोरठा है, मुक्ति जन्म ही जानी, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो कसी सेई कसना। अर्थात काशी में तो शिव और शक्ति साक्षात निवास करते हैं, ज्ञान का भंडार काशी तो कष्ट और क्लेश दोनों से मुक्त करती है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां कोरोना टीके की 3 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लोगों को दी जा चुकी है, यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी चुकी है। आपको यह भी बता दें कि यूपी में अब तक 12,65,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि 9,64,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी चुकी है। उत्तर प्रदेश टीकाकरण अभियान में लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। तो उत्तर प्रदेश अब टीकाकरण में सबसे आगे और सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला प्रदेश बन चुका है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण उत्तर प्रदेश कर चुका है। वहीं जिला फतेहपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर वार किया है। कैबिनेट मंत्री ने सपा पर वार करते हुए कहा कि पहले सपा सरकार में सीओ को गाड़ी में बैठकर सपा के लोग घुमाते थे और सपा के लोग एसपी को तमाचा मारते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश कानून व्यवस्था की चिंता ना करें, यूपी सरकार में कानून का राज चल रहा है। जिनके शासन में सीओ को जीप पे बैठ डाल के उनकी कार्यकर्ता यहीं लखनऊ में घुमाते थे और मारते थे, जिनके कार्यकाल में जसराना फिरोजाबाद जिले में एसपी को विधायक के द्वारा हरी जनता के सामने चाटा मारने का काम हुआ, वो कानून व्यवस्था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दो दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए, इसके बाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में केजरीवाल ने सरयू तट पर आरती की, साथ ही दुग्धाभिषेक भी किया। इस दौरान महंत दिलीप दास और हनुमानगढ़ी निर्वाणी अन्य अखाड़ा के महंत धर्मदास के अलावा आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद रहे। केजरीवाल कल सुबह प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। यूपी चुनाव में पहले चुनावी वादों में जोर आजमाइश करने का दौर शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुक्त होगा, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार कराएगी। इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने कही है। मुंबई सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान अबू आजमी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 2012 से 2017 तक सपा ने विकास कार्य किया है, विकास कार्य को देखते हुए जनता भाजपा को हटाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही, जो तय करना है अब अखिलेश को ही तय करना है। साइकिल ही आएगी और इसलिए आएगी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ने 2012-17 तक जो डेवलपमेंट किया ना, वो एग्जांपल है, मिसाल है लोगों के लिए। साइकिल और झाड़ू कोई गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन तो किसी से नहीं हो रहा है, अंदर अंदर छोटे छोटे लोगों में गठबंधन हो रहा है। मुझे लगता है अखिलेश जी को जो सही लगेगा करेंगे वो। मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना के तहत पीड़ितों को राहत राशि दी गई। सांसद रामशंकर कठेरिया ने 6 किसानों को सहायता राशि के चेक दिए। वहीं थरथना तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की है। उन्होंने डेंगू वायरल और आदि बचाव के साफ सफाई बनाए रखने के अलावा क्षेत्र में डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश भी दिए। सांसद ने मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत क्षेत्र के नसीदीपुर गांव में इंद्रजीत सिंह रणजीत सिंह को 1,74,000 रुपए दिए हैं। अप्रैल में के तहसील की गांव कुंवरा है, जमीन पर किसी कारण गैप पका हुआ खड़ा, उसमें आग लग गई और काफ़ी आग से जल। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के किसानों को चेक वितरण किए और किया। जिला बाराबंकी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल देबा कोतवाली क्षेत्र में देवरिया की तरफ जा रही एक बस ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। बस और ट्रैक्टर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारी और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर से जा रहे थे, इधर से उधर से बस वाला मार दी ट्रक। अरे हैं 10-12 लोग हैं। एक प्राइवेट बस जो देवरिया की तरफ जा रही थी और एक ट्रैक्टर रहा था, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। करीब 14 लोग अभी तक घायल हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं, उनका सदर अस्पताल बाराबंकी में इलाज चल रहा है। जिला बहराइच के नगरपालिका परिषद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 4.5 सालों में किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई। 2 दिवसीय आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए सरकार की ओर से चलाई जा रही लाभकारी और विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। प्रदर्शनी का शुभारंभ सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक जितनी भी योजनाएं संचालित की है उन सभी की प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि जनपदवासी इसे देखें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
वहीं प्रयागराज में हुई आज अखाड़ा परिषद की बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्र पुरी को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। सात अखाड़ों के समर्थन के साथ महानिर्वाणी अखाड़े के रविन्द्र पुरी ने पहले ही मजबूती से अपना दावा किया था। इस आधार पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। बाकी छह अखाड़ों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों को मिलाकर बनती है। अप्रैल 2021 में 3 अखाड़ों ने इस परिषद से अपने आप को अलग कर दिया था। हमसे अलग होने वाले अखाड़ों के श्री दिगंबर आनी और श्री निर्मोही आनी और श्री निर्माणी आनी शामिल हैं। संतों की रक्षा का है और जो मेला हमारा है जो 2024-25 का मेला आना है, मेले में व्यवस्थाएं हमारे संत महात्मा होते हैं, मंडलेश्वर है, आचार्य होते हैं, उनकी रक्षा करना। देखिए अखाड़ा क्या, अखाड़ा एक सेना है। हम जो शंकराचार्य की सेना, हम जो आचार्य उनकी सेना है और उनका जो भी रक्षा सुरक्षा वो हमारे जिम्मे है वो पूरा कार्य उनका हो। लखनऊ में भाजपा नेता अभिषेक शुक्ल ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आत्महत्या के पीछे पत्नी से विवाद की बात लिखी। इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के नंदनी एनक्लेव का है। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि नंदनी एक्सले निवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक शुक्ल ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको यह भी बता दें कि अभिषेक राजनीति में सक्रिय होने के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया करते थे। सुसाइड नोट में घटना के पीछे पारिवारिक कलह को कारण बताया है कि उनके मित्र जो कि रात में उनके साथ थे अभिषेक शुक्ला, उन्होंने रात में सुसाइड कर दिया है। तो उसी सूचना पे पुलिस गई थी, उन्होंने अपने लाइसेंसी पिस्टल से सुसाइड किया है। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें पारिवारिक विवाद कुछ बताया है अपनी पत्नी से, और उनके जो मित्र थे उन्होंने भी बताया कि कुछ मानसिक तनाव में थे पत्नी से विवाद को लेकर। तो अभी तक कितनी ही जानकारी मिल पाई है, बाकी उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, वो भी आ रहे हैं। जैसे आगे कार्रवाई होगी तो आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके जद में यूपी के कई जिले भी आ चुके हैं। जिला औरैया में भी डेंगू के कहर से अछूता नहीं है। यहां के बिदुना तहसील क्षेत्र में एरवाकटरा ब्लॉक में उमरैन गांव में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं अब तक 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 5 मरीजों में और डेंगू की पुष्टि होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मरीजों में एक 13 साल की बच्ची भी शामिल है जिसको सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मुरादाबाद जिले के कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण सैनी की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा के एक माल गोदाम में तैनात सफाई कर्मचारी के ऊपर 25 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाकर कस्टडी में लिया गया था, जिसमें पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी। जिसके बाद से ही लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। मुख्य मांग यह है कि जो सीबीआई जांच हो इस केस में, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो कि जिन्होंने ये घटना की है। 25 लाख रुपए की साधारण रकम नहीं होती, कोई साधारण सा व्यक्ति, मुझ जैसा व्यक्ति 25 लाख रुपया उठाने में जो है, या आप जैसा व्यक्ति उठाने में संकोच करेगा और एकदम से नहीं ले जा सकता, वो एक दिन में 25 लाख रुपया नहीं ले जा सकता। वो चोरी किसी पुलिस अधिकारियों ने की है, पुलिस के लोगों ने की है, लेकिन इल्जाम सबसे छोटा कर्मचारी होता है जो सबसे पीछे वाले लाइन में होता है उसके ऊपर लगा देते हैं। हम आंदोलन करेंगे, पूरे देश का जो है वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में आज मेट्रो का पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। ये ट्रायल कानपुर मेट्रो डिपो में किया गया, जहाँ पर मेट्रो पटरी पर सरपट दौड़ती हुई नजर आई। इस दौरान UPMRC में MD कुमार केशव ने भी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कानपुर में मेट्रो पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। अब उत्तराखंड की खबर का रुख करते हैं। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी को निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविन्द्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सोमवार को दारागंज निरंजनी अखाड़े में हुई बैठक में महंत रविन्द्र पुरी को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया।
सात अखाड़ों ने मिलकर बहुमत से फैसला लिया। पिछले दिनों अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली था और अध्यक्ष पद के लिए काफी दिनों से जोड़ तोड़ चल रही थी और अखाड़ों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की जा रही थी। अखाड़ा परिषद के संरक्षक महंत हरिगिरी ने 25 सितंबर को निर्मल अखाड़ा प्रयागराज में परिषद की बैठक भी बुलाई थी। वो पहले भी नहीं हुई थी, बहुत प्रसन्नता का विषय है, बहुत खुशी है। गंगा के किनारे प्रयागराज में आज श्री महेंद्र रविंद्रपुर जी महाराज को सर्वसम्मति से 8 अखाड़े वालों ने अपनी सहमति दे दी और अध्यक्ष चुन लिया गया है। हमारे साथ बहुमत है, हमारे साथ 8 अखाड़े हैं, उनके साथ 5 अखाड़े हैं। तो अब यदि हमारे हरिगिरी जी महामंत्री जी ने खुला बोल दिया था यदि किसी को अपना बहुमत सिद्ध करना है तो 25 तारीख को दारागंज में आ जाए और जो बहुमत के साथ अध्यक्ष होगा वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। अब 8 अखाड़े हमारे साथ हैं तो हमारे साथ बहुमत है। उत्तराखंड सरकार और भाजपा के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे करते हों लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा तब देखने को मिला जब खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बोताल घाट पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल बेताल घाट क्षेत्र में पिछले 4 महीने से 40,000 ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे। घंटों इंतजार में खड़े रहने के बाद कई किलोमीटर दूर से लोग पानी भरकर लाते हैं। भाजपा के ही कार्यकर्ता जो कि पेयजल किल्लत से परेशान थे, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री के सामने साफ कर दिया कि ना सड़क की मांग कर रहे हैं और ना बिजली की मांग कर रहे हैं, कम से कम पीने का पानी तो मुहैया करा दो। ग्रामीणों और केंद्रीय मंत्री के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आकर 4 महीने हो गए, 1 दिन या 2 दिन नेतागिरी तो मुझे भी आ गया, थोड़ी मैं भी मंच में बैठ सकता हूँ, मैं भी भाषण दे सकता हूँ। आप कह रहे हो वरिष्ठ की सुन लो, आज तक कहाँ थे बताओ 4 महीने से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रणाम पार्टी जिंदाबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ होता है, हमारी पीड़ा दिखेगी जिन्हें मंच में बैठना, मैं भी जानता हूँ, मैं भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष में भी बनना चाहता हूँ सर। वो बात अलग है, 40,000 पब्लिक है, कहाँ जाएगी पानी लाओ करने के लिए? रोड के लिए निकल रहा, विकास के लिए निकल रहा, किसी के पानी के लिए? नवीन जी आप कह रहे ना कि वरिष्ठ करके 4 महीने हो गए साहब, 4 महीने से कहाँ थे? उनका इसमें फोन में कह रहे हैं यही साहब मेरा कमीशन कट करके मेरे को दिया जा रहा, वो पायलट हो रहा है, पागल है मैं जो भी है, इनका यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये जाता है, वो जाता है सर। पीड़ा है बिराल घाट की। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और ट्रैक द हिमालयन के तहत 25 सदस्यों का दल 4 धाम यात्रा के सालों पुरानी बंद पड़े पहाड़ी यात्रा मार्गों पर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्य सिंह धामी ने आज सीएम आवास से दल को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। 60 दिनों में करीब 1200 किलोमीटर का फासला ये ट्रैकिंग दल पूरा करेगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर 100 साल पहले जो यात्री जाते थे लेकिन अब वे मार्ग बंद पड़े हैं, उन्हें खोज निकालने के लिए ये दल 60 दिनों तक पूरा कवायद करेगा। और सदस्यों के इस दल में महिला और पुरुष भी शामिल है जो कि 1200 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। डेवलपमेंट बोर्ड और ट्रैक द हिमालयस मिलके जो पूर्णो द्वारा एक यात्रा की जाती थी 4 धाम यात्रा पैदल मार्गों से, तो अब वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो पर्यटन विभाग और ट्रैक द हिमालयस मिलके इस यात्रा को दोबारा रिट्रेस करने जा रहा है। तो जो यात्रा बाबा काली कमली चट्टियों के माध्यम से कराते थे आज से 100 साल पहले, हम उसी यात्रा को दोबारा रिट्रेस कर रहे हैं। तो इस मार्ग यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो है दोबारा अपने पूर्वजों वाले रास्तों को खोजना, जो होम स्टेज बने हुए हैं उनको प्रमोट करना, और जितना भी प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट हो और एक सस्टेनेबल वे में इस यात्रा को दोबारा शुरू किया जा सके, वो इसका मेन मोटिव है। नैनीताल जिले के भवाली के पास झूला पुल के पास एक बड़ा बोल्डर आ जाने से राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया, लिहाजा पुलिस ने नया रूट अपडेट जारी किया। अब मेढक पत्थर भवानी से झूला पुल के पास राजमार्ग बंद होने से रोड डायवर्जन करते हुए भवाली से आने वाले यात्री रामगढ़ से कारण होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। इसके अलावा ख्वाब से आने वाले यात्री मुक्तेश्वर रामगढ़ से होते हुए अपने गंतव्य स्थान जाएंगे। तो मार्ग को खोलने के लिए पत्थर पर ब्लास्ट कर जेसीबी से दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर हटाने का काम चल रहा है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर आपदा प्रबंधन में फेल होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि प्रभावितों को मुआवजा या फिर तुरंत राहत नहीं मिली तो कांग्रेस आंदोलन को मजबूर होगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपदा के समय राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 27 अक्टूबर तक आपदा प्रभावितों को राहत मिली तो 28 अक्टूबर को हर जिले में उपवास करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आपदा में मेरे लोगों की लाशों तक नहीं निकाल पा रहे हैं। जो मरे हुए लोग हैं उनकी लाशों को नहीं निकाल पाए। सरकार राज्य सामग्री भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है। यहां तक कि सरकार के आपदा को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का 5 नवंबर का केदारनाथ दौरा प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड दौरा करना था तो उनको अभी तक आपदा पीड़ितों के बीच पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यदि प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो वे राष्ट्रीय नेता का कर्तव्य है कि वे अपने चुनाव की राजनीति में आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं पीएम मोदी ने 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। आपको बता दें कि एक साथ सभी 9 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन सभी जिलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। तो हम आपकी जगह जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और जनता टीवी देखते रहिए। नमस्कार।